और अब डेकर्स लेन की एक बहुत ही खास दुकान, 46 साल से चल रही है ये चीतोदा की दुकान है। देखने में चाय की दुकान है लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है यहाँ। चिकन स्टू, मटन स्टू, वेजिटेबल स्टू, छोले, फिश, एक खास किस्म का टोस्ट और ना जाने क्या क्या। और सब लोग कहते हैं बहुत हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। इससे बेहतर क्या हो सकता है, हेल्दी भी स्वादिष्ट भी, यानी मैं भी खुश, मेरा डॉक्टर भी खुश, आप भी खुश। ये है चीतोदा की दुकान, आइए मेरे साथ चलिए और इसका स्वाद लीजिए। नमस्कार। इस दुकान के बारे में बहुत सुना है, बहुत चर्चे होते हैं, सब लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हैं इधर, बहुत कई सालों से चल रही है। ऑलमोस्ट 46 ईयर्स। इसका मतलब बहुत बढ़िया होगी। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पर बेसिकली वी सर्व द स्टूज जी, देयर आर चिकन स्टूज, मटन स्टूज और ये एंड आल्सो वेजिटेबल स्टूज। स्टू बनाने में बहुत मतलब हेल्दी फूड होता है। डेफिनेटली वी लेस ऑफ ऑयल, फर्स्टली लेस ऑफ ऑयल, मतलब आप लेस ऑफ स्पाइसेस, ओनली बॉइल्ड थिंग्स। यस, आप क्या रेकमेंड करते हैं, क्या खाया जाए? मैं एक वेजिटेबल स्टू और यू कैन गो आल्सो वेजिटेबल स्टू और मटन और एनी नॉन वेज स्टूज आल्सो। तो एक वेजिटेबल स्टू और एक बटर टोस्ट उसके साथ, फाइन, वेरी फाइन कॉम्बिनेशन। And this one is your vegetables too, and this one is your toast. और आप कह रहे हैं कि खास तरह की चाय भी बनती है जिसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग, ज्योति बाबू भी यहाँ आते थे इस चाय को पीने के लिए। खा के बताइएगा हम वो सर। ज़रूर, आपको भी बताऊँगा और आपको भी बताऊँगा। वाह, वेजिटेबल स्टू और बटर टोस्ट, मज़ा आ गया। इस वेजिटेबल स्टू में गाजर, बेबी कॉर्न, बीन्स और आलू का टेस्ट उभर के आता है। फ्लेवर एकदम लाइट और टेस्ट लाजवाब। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आप चीतोदा की दुकान में बहुत टाइम से आ रहे हैं? हाँ बहुत टाइम से आ रहा है, क्योंकि हम जब छोटा था, स्कूल स्टूडेंट था, चित्त बाबू था उस टाइम, हम तब से ही इधर आते थे। उसके बाद चित्त बाबू गुजर गया, उसके लड़का था, उसका भी पोता था, अभी भी हम आता है। ₹3 की बढ़िया चाय और ₹17 में वेजिटेबल स्टू और टोस्ट, जेब पे भी हल्का और बंदा भी हल्का फील करता है। 46 साल से चल रही है चित्तो बाबी की दुकान, लोग कहते हैं वही टेस्ट है और मुझे तो लगता है माहौल भी वही है। समय रुक गया है लेकिन हम नहीं रुकेंगे, पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा, क्या करें। हम निकलते हैं कलकत्ता की गलियों में और कुछ नया स्वाद ढूंढने, चलिए मेरे साथ आइए। टैक्सी वाले दादा ने मुझे बताया कि एक जगह है जहाँ पर बहुत ही बढ़िया मुगलाई पराठा मिलेगा जो बहुत फेमस लोग भी खाया करते थे। चलिए हम भी वहीं चलते हैं, एक जगह है अनादि, वहाँ जाके पराठा खाया जाए। ये कोलकाता की बहुत ही मशहूर और बहुत ही पुरानी दुकान है। सुना है यहाँ सत्यजीत रे भी आया करते थे। एक खास किस्म का मुगलाई पराठा मिलता है। अब उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या होता था यहाँ से जाने के बाद वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको स्वाद बड़ा आता होगा और उसी स्वाद के लिए मैं भी बैठा हूँ। जगह नहीं है इसलिए बाहर खड़ा था, कुर्सी देखी बैठ गया। जैसी जगह मिलती है अंदर जाते हैं और चखते हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ बीच में, मेरा ऑफिस है ना, हर रोज आता हूँ ना, हर रोज आता हूँ, रोज खाता हूँ, रोज खाता हूँ। अनादि अनादि है, अनादि अनादि है। तेल बहुत डलता है? नहीं, तेल बहुत नहीं डलता है, इतना तो तेल चाहिए, इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए, नहीं तो फ्राई नहीं हो, होगा ही नहीं। सुना हमने इतना तेल तो चाहिए ही, नहीं तो फ्राई नहीं होगा। दादा मैं जरा देखने आ गया कैसे बना रहे हैं, क्या 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 डलता है इसमें? मैदे का बेस होता है, फिर उसमें आप क्या डालते हैं? अंडा, अंडा, हाँ हाँ, और आदरी जनता है, आदरी आदरी आदरी, अदरक अदरक, अरे वाह, मटन का कीमा, मटन का कीमा, और गाजर 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 गाजर। Wow.
तंदूरी घंटे से खाया जाए इसको अंग्रेजी स्टाइल में, देसी चीज हो अंग्रेजी स्टाइल में छुरी कांटे के साथ। पहले देखें इसमें क्या है, इन्होंने बताया था इसमें अंडा है, मटन कीमा है, गाजर है, प्याज है और साथ में मिली है चटनी और आलू, और स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रही है। सलामत तो साहब बन गया, साहब बन गया, सतन गया। गरम है, गरम है लेकिन बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। ये तो ऐसी चीज़ है जो छुरी घाटे से नहीं खाई जा सकती, इसको हाथ से खाना पड़ेगा। कमाल का फ्राइड पराठा, मैदा, अंडा, अदरक, गाजर, मटन कीमा और खूब सारा तेल। काफी हैवी पराठा था, मात्र 28 रुपए में पेट भर गया, मतलब इतना भर गया कि कम से कम 5-7 मिनट तक मैं कुछ नहीं खा सकता। आप लोग ब्रेक लीजिए, उसके बाद वापस आइए और फिर निकल पड़ेंगे कलकत्ता की गलियों में खाने के लिए।